आगरा के थाना लोहामंडी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लोहामंडी पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने दो साते टप्पेबाजों को किया है गिरफ्तार। टप्पेबाज मुरादाबाद और गाजियाबाद में दे चुके हैं कई वारदातों को अंजाम। जब टप्पेबाजी में कामयाब नहीं होते थे तो लूट की वारदात को भी ये दे दिया करते थे अंजाम। महिलाओं को बनाते थे खास तौर से निशाना। पुलिस ने लगाए हैं गंभीर आरोप। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 100% बरामदगी की भी बात कही है। सोने चांदी के आभूषण, नकदी सहित काफी कुछ बरामद बताया जा रहा है। मेरा नाम बीना गुप्ता है। मैं कल राजा मंडी किताबें खरीदने के लिए गई थी। वहाँ से लौट रही थी तो चौराहे के पास ही कुछ एक आंसर था। वहाँ पर दो पहले एक युवक आया मेरे पास और मुझे कुछ पता पूछने लगा तो मेरे एकदम कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा मुझे बताने के लिए समय दूसरा भी युवक आ गया और वो ऐसे लग रहा था ऐसे नहीं जानता मुझे। लेकिन फिर तुरंत ही उन्होंने एक आंसर में मुझे कुछ दिखाया कपड़े से। मैं कोई हरियाता बोले कि तुम मुझे जो कुछ पहने हो तो भी सामान दे तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो मैं एकदम से घबरा गई, मुझे देना पड़ा और वो फिर वो लेकर तुरंत चंपत हो गए। फिर मैं एकदम से जब होश आया तो फिर मैं अपनी के पास गई शॉप पर। फिर उनको लेकर पुलिस चौकी में आया लोहामंडी पुलिस थाना। कुछ पैसे भी थे आपके पास? हाँ, पैसे भी थे। पर्स में लगभग 6,000 रुपए थे कैश। सोने चांदी का सोने का सामान तो पूरा था। सोने का लक्ष की माला थी, कंसालों के कुंडल, कनौती, दो अंगूठी। पड़े गए हैं किस तरीके से, क्या कहना चाहते हैं पुलिस को, किस तरीके से सराहना देना चाहते हैं? पुलिस वालों को तो धन्यवाद देने की मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूँ, उनका धन्यवाद दूँ। उन्होंने एकदम से त्वरित कार्यवाही की जो अकल्पनीय थी अब तक। कितने घंटों में पकड़ लिए गए? 3 घंटों में। जनपद आगरा में दिनांक 21 सितंबर को सायंकाल एक लूट की घटना हो गई थी, जिसमें एक महिला से उसका पर्स, नगर में मोबाइल फोन और सोने और चांदी के आभूषण लूट लिए गए थे। पुलिस द्वारा तत्काल उसमें कार्रवाई की गई और मुखबिरी के आधार पर इसमें दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लूटा हुआ सामान कैश और बरामद है। इसके अतिरिक्त इनके पास से एक तमंचा भी बरामद है, जिसका इस्तेमाल ये अपराध के लिए करते थे। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे पूर्व ये गाजियाबाद या मुरादाबाद में लूट की घटनाएँ कर चुके थे। आगरा में उनकी अभी तक की जानकारी के हिसाब से पहला अपराध था। इनका नाम इकबाल उर्फ आमिर पुत्र मोहम्मद मौजुद्दीन और अयूब पुत्र यासीन है। इनको गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र शर्मा, निरीक्षक विजय सिंह, निरीक्षक कुशल पाल सिंह और कॉन्स्टेबल सुकर्म पाल सिंह और अनिल कुमार मंडी के शामिल। इनका पैसा यही था या क्या कुछ? ये इनका जो है ये महिलाओं को चीज़ में पैसे कर बनाते थे और इससे पूर्व ये गाजियाबाद और मुरादाबाद में इन्होंने कई सारी घटनाएं अंजाम।